मेरा नाम लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है और मेरा ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से है। 2008 के अवाइल में मैंने तहरीकी तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं TTP मोहम्मद एजेंसी का तर्जुमान भी रहा हूँ, उसके बाद मैं TTP का मरकजी तर्जुमान भी रहा हूँ, जमातुल हरार का तर्जुमान भी रहा हूँ। इन 9 सालों में मैंने TTP के अंदर बहुत से चीज़ों को देखा। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, खसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे, ये लोग उन पर खुद भी पूरा नहीं उतरते थे। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं, लोगों से, बेगुनाह मुसलमानों से भत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं, तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। जब कबाइली इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुए तो इन लोगों के अंदर क़ियादत की जो दौड़ थी वो और भी तेज़ हो गई। हर कोई चाहता था कि तंजीम का लीडर बने। हकीमुल्लाह के हलाकत के बाद नए अमीर का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर एक इंतखाबात की तरह एक इंतखाबी मुहिम चलाया गया। इस दौड़ में उमर खालिद खुरासानी, खान सईद सज्जना, मौलवी फजलुल्लाह, ये सारे लोग शामिल थे और हर कोई इख्तदार हासिल करना चाह रहा था। तो फिर शूरा में फैसला किया कि कुरानदाजी की जाए और उस कुरानदाजी के जरिए मौलाना फजलुल्लाह अमीर मुकर्रर हुए। ऐसी तंजीमों से क्या तवक्को रख सकते हैं जिसका अमीर कुरानदाजी के जरिए से मुंतखब हो। और फिर अमीर भी एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिनका किरदार ऐसा है कि वो उन्होंने अपने उस्ताद की बेटी को के साथ ज़बरदस्ती शादी की और उनको ले गए। तो ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग इस्लाम की खिदमत न कर सकते हैं और न इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो हम सब अफगानिस्तान चले गए। फिर मैंने वहाँ देखा कि अफगानिस्तान में इन लोगों के INDS और RA के साथ ताल्लुकात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मौनत फराहम की और उनको अहदाब भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। और जब जो फाइटर्स थे जो उनको पाक फौज के सामने यानी लड़ने के लिए छोड़ दिया और खुद ये लोग महफूज ठिकानों में चले गए। जब INDS और RA से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयां करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। तो इससे मैं समझ गया था खास एजेंडे के तहत अपने जाती मकासद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इन तंजीमों ने अफगानिस्तान के अंदर कमेटियां बनाई हुई है जो INDS और उसके थ्रू RA से रवाबित रखते हैं। उन INDS ने बाकायदा इनको तस्करे दिए थे ताकि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। ये तस्करा अफगानिस्तान की नेशनलिटी, जिस तरह पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, इस तरह ये तस्करा अफगानिस्तान में ID कार्ड के तौर पर चलता है। और ये लोग अगर ये ना हो तो उन लोगों के लिए, किसी के लिए भी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मूव करना मुश्किल काम है। जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे तो इसके लिए बाकायदा INDS और अफगान फोर्सेस से रब्ता होता था, वो उनको रास्ता फराहम करते थे और उनकी मर्जी से ये मूवमेंट होती थी। पाकिस्तान में आने के लिए भी पाक फौज के हालिया ऑपरेशंस के बाद खसूसन अफगानिस्तान के परचा और लालपुरा के इलाके में जमातुल अहरार के जो कैंप्स तबाह हुए उसमें उसे कुछ कमांडर्स भी मारे गए।